नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शालू पटेल। कृषि कानून के खिलाफ अन्नदाताओं के प्रदर्शन को लगभग एक महीने पूरे हो चुके हैं। किसान दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर अपने प्रदर्शन को दिन पे दिन तेज करते जा रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टी केंद्र सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय की जयंती पे उन्हें श्रद्धांजलि देने। तभी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और लोकसभा से सांसद भगवत मान ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में ही नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों के खिलाफ लिया गया काला कानून वापस लो, MSP वापस लो का नारा जमकर लगाया। आप देख सकते हैं कि संजय सिंह के हाथ में काला कानून वापस लो का कागज है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री के सामने नारा लगाया कि सर किसान ठंड में मर रहे हैं, सर कृषि कानून वापस ले लीजिए। हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संजय सिंह और भगवत मान की बातें सुने बिना ही बाहर निकल जाते हैं। ऐसे में कृषि कानून को वापस ले ले केंद्र सरकार उसके कोई असर नजर नहीं आ रहे हैं। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, MSP की गारंटी दो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, MSP की गारंटी दो। पूंजीपतियों के लिए लाखों किसान ठंड में भिड़ रहे हैं, वापस लो। प्रधानमंत्री जी किसान विरोधी काला कानून वापस लो। प्रधानमंत्री जी सुनिए, हम आपसे जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक दिल्ली NCR और दिल्ली की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस, क्योंकि हर खबर है जरूरी।